जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आप पुराने वाले में देखेंगे ये कंक्रीट का है और ये वाला स्टील का है। आप देख सकते हैं पूरा सिंपल देख सकते हैं, लगभग ये काम कंप्लीट हो ही चुका है। और जो इसके पीछे का इससे कनेक्ट हो जाएगा, जो कि लाजपत नगर, सरोजनी नगर और दिल्ली हाट INA है, तो उससे सीधी कनेक्टिविटी हमको मिल जाएगी इस लाइन के कंप्लीट होने से। हेलो फ्रेंड, मैं हूं विशाल, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। और अभी इस वक्त मैं हूं मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन के पास। मैं यहां से कोई जर्नी नहीं करूंगा, बल्कि आज आपको मयूर विहार पॉकेट 1 और त्रिलोकपुरी संजय लेक का जो मिसिंग कॉरिडोर है उसका एक छोटा सा आपको अपडेट दूंगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक अपडेट दिया था ढांसा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन का, जो कि जिस पे जितना प्यार मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। इसका रीज़न यह है कि 93% लोग हमारी वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ब्लॉग देखने को मिलते रहें। अभी इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ मिसिंग लिंक के पास और देखते हैं अभी कितना काम हुआ है। आप जो ये जो पिलर्स देख रहे हैं, ये पीछे जाता है मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन की तरफ, और ये वाला जाएगा त्रिलोकपुरी संजय लेक की तरफ। और एक चीज़ इसमें है कि इसमें जो कंक्रीट गट्स के बजाय यहाँ पे स्टील गट्स लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आप पुराने वाले में देखेंगे ये कंक्रीट का है और ये वाला स्टील का है। आप देख सकते हैं पूरा सिंपल, आप देख सकते हो अभी सब काम हो रहा है मिसिंग लिंक के ऊपर। और मैं आपको त्रिलोकपुरी तक लेके दिखा पाऊँ या ना दिखा पाऊँ इसकी गारंटी नहीं है, बट जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो 100% है कि आपको दूंगा ही। देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है और 58.6 किलोमीटर इस लाइन के कंप्लीट होने के बाद ये हो जाएगा और दिल्ली की ये सबसे लंबी मेट्रो लाइन बन जाएगी। और उसके बाद फेज़ फोर के बाद इसे मौजपुर और मजलिस पार्क से जोड़ दिया जाएगा, जो कि 17 किलोमीटर तकरीबन लंबा है, जो कि जिसके बाद देश का ये सबसे लंबा मेट्रो लाइन बन जाएगा। DMRC ने यहाँ पे 219 मीटर लंबे मयूर विहार पॉकेट 1 और त्रिलोकपुरी के कॉरिडोर में 10 स्पेन 14 स्टील गर्डर लगाए, जो कि पहले मिसिंग था, जिस वजह से इस लाइन पर दो अलग अलग रूट पर मेट्रो चलती थी। जानते हैं इसमें काफ़ी टाइम लगा है, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इसको होते हुए। और इसमें इतना देर क्यों हुआ? इसमें देर इसलिए हुआ क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण का जो मुद्दा था उसमें सबसे ज़्यादा था, और जिस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा देरी हुई। लेकिन DMRC ने कानूनी तौर पर जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे उनको एक अलग से उनकी जगह दी और उसके बाद इस निर्माण को शुरू किया गया। फिर उसके बाद कोविड आ गया, कोविड आपको पता ही है, तो कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। और इसको मार्च 2021 तक इसकी डेट बताई गई थी, बट कोविड की वजह से इसमें भी काफ़ी देर हुई। आप देख सकते हो टूटे फूटे घर उसी बात का सबूत है। इस वक्त मैं थोड़ा अंदर की तरफ आया हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे भी घर वगैरह देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो काम चल रहा है। चलते हैं थोड़ा आगे, देख सकते हैं लगभग ये काम कंप्लीट हो ही चुका है। और जो इसके पीछे का जो रीज़न था वो आप सभी ने देखा है, यहाँ के टूटे फूटे घर, और यहाँ के लोगों को कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनका पुनर्वास कर दिया गया है। तो अब मैं अब इसकी बताता हूँ इसकी डेट कब तक इसे कंप्लीट करने की उम्मीद बताई जा रही है DMRC द्वारा। तो फ्रेंड, इसके ऊपर ट्रैक वगैरह और जो सिग्नलिंग सिस्टम है इसका काम अभी बाकी है, और इस पर जो सिविल वर्क है वो अभी कंप्लीट हो चुका है, और जो ट्रैक वगैरह और सिग्नलिंग का है वो काम शायद इस महीने के अंत तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, ऐसा DMRC का मानना है। इस पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम अभी बाकी है, और इसे कंप्लीट होने के बाद निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, निज़ामुद्दीन ISBT और जो आनंद विहार का जो रेलवे स्टेशन है, आनंद विहार का जो ISBT है, वो सीधा मार्केट प्लेसों से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि लाजपत नगर, सरोजनी नगर और दिल्ली हाट INA है, तो उससे सीधी कनेक्टिविटी हमको मिल जाएगी इस लाइन के कंप्लीट होने से। यहाँ से मैं पहुँच चुका हूँ सीधा त्रिलोकपुरी, और अगर मैं इस रूट के स्टार्ट होने की बात करूँ, इस लाइन के पूरी होने की, तो DMRC का कहना है कि 31 जुलाई तक इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसे पब्लिकली स्टार्ट करने से पहले CMRS की जो सुरक्षा मंजूरी होती है वो अनिवार्य है। लेकिन DMRC चाहती है कि 31 जुलाई तक यानी कि 31 जुलाई तक इसे कमर्शियली स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि ये लाइन इससे पूरी हो जाए।
एंड फाइनली मैं पहुंचा हूं त्रिलोकपुरी और यहां पे मैं करता हूं अपनी वीडियो को एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।